साहब सच्चे पातशाह दी पावन हजूरी च जुड़ बैठे हां। गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो, गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल शहीद भाई दर्शन सिंह फेरूमान का शहीदी दिहाड़ा लंघ के गया, अपने लागे ही इत्थे फेरूमान मेरे तो, मैं उस स्कूले पढ़िया, उन्हां दा लागे घर है जिथे मैं पढ़ता रहा। एक समा ऐसा आया कौम दे विच संत फतेह सिंह वर्गे बंदे होए जिन्हां ने दरबार साहब की हदूद दे विच हवन कुंड बना ले ते हकूमत नूं कहा भी जे तुसी साडियां मंगा ना मनिया ते असी इन्हां हवन कुंडां च सड़ के मर जाणा, अग ला के मर जाणा, आत्मदाह कर लैणा। वैसे तो सिखी की रवायत नहीं गी भी जान का खतरा दस के किसी नूं यह कहना भी असी मर जाएंगे कि नहीं तो तुसी साडियां मंग मान लिओ। पर उन्हें एक काम किया जो मौत का दिन नेड़े आ गया, मिथी तरीक नेड़े आ गई तो दिल डोल गया, मौत का भय जिहड़ा मन ते हावी हो गया, भगौड़े हो गए। फिर कुछ हिंदू लिखारियां ने किताबां लिख दित्तियां कि सिखां दा सारा इतिहास झूठा है, ये अपने गुरु अगे की अरदास तो भगौड़े हो जाते हैं। शहीद दर्शन सिंह फेरूमान ने सिखां दा जिहड़ा इतिहास सी उहदी मुड़ सुरजीती भाव उस इतिहास नूं सच्चा साबित करन लई जिहड़ा फिर हुकूमत दे अगे कहा भी हुण असीं मरना है, मरन लई बैठे हां। बथेरियां चिट्ठियां इंदिरा गांधी ने भेजियां, बथेरे सुनेह भेजे भी मैं आप आण के जूस पिउणी आ, मैं आप आण के तुहाडे सारे हक देण दी गल करदी आ। शहीद दर्शन सिंह फेरूमान ने अगे इको गल कही सी भी बीबी इह कम मैं तेरे लई नहीं कर रहा, यह गल सिखां ते मेहणा है, मेहणा साडे ते आण वजा भी तुहाडा इतिहास झूठा है, इतिहास नूं सच्चा साबित करना है, इस करके तूं हुण हक दे दे, चंडीगढ़ देना दे नहीं देना ना दे, पंजाबी बोली दे इलाके देने दे नहीं देने ना दे, ये असीं ते जिहड़ी अरदास करती तो पिछे नहीं हटना। तो यह मिसाल कायम हुई कि उन्हां अपने वचन बगाए तो शहीदी दित्ती। अज साडे सिर उत्ते इहो जिहा मेहणा नौजवानों, उहो ही मेहणा साडे सिर ते आण के खलोता है। सानू अज किहदे तों प्रेरणा लैण दी लोड़ है? शहीद दर्शन सिंह फेरूमान तों प्रेरणा लैणी है। जिहड़े ये लोग कहना शुरू कर गए कि सिख नौजवानी खत्म हो गई, ये नशे च मर गई, ये बाहर चल के छड़ गए, उन्होंने अज दसण दा की समा है कि ना तो असी खत्म होए हाँ, ना उदों खत्म होए सी जो तुसी गोलियां ना मारदे सी, ना हुण खत्म होए हैं जो नाड़ च नशे के टीके ला के साडे नौजवान मर रहे ने। सिखी ने खत्म नहीं होना, इहदी जड़ पताल तों वी डूंगी है। सिखी नूं खत्म करन वाले मुगलां नूं वहम पै गया सी कि असी सिख मार दिते मका दिते आ, ऐलान कर दिता भी कोई सिख बचिया नहीं। बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह दोवां सिखां ने राज कायम करता सी। दो सिखां ने राज की स्थापना कर दिती। टैक्स जिहड़ा है पिछे जे बड़ा विवाद किया, कई बंदिया ने भी अमृतपाल ने कहा भी इत्थे टैक्स लिया जांदा, टोल टैक्स गुलामी की निशानी है, उन्हां बंदिया नूं इतिहास पढ़न की लोड़ है। टैक्स कौन लै सकदा है जिहदा राज है? कर कौन वसूलदा है जिहदा राज है? जदों साडा राज सी सिखां दा, गोरे सतलुज टप्पण दा टैक्स दिंदे सी सानूं, पैसा अदा करके पंजाब च दाखल हुंदे सी। सो राज करदियां कौमां टैक्स लैंदियां ने। बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह ने टैक्स लेना शुरू कर दिता। कई बंदे कहिंदे कि लाल किले के झंडा चला के तुसीं की कर लिया जी 5 मिंट, उन्हां नूं असीं दसना चाहुंदे हां कई बार ऐसा समा आउंदा कौमां नूं अपनी पछाण जाहर करनी पैंदी है, दोवां मिंटां लई करनी पए, चौवां लई करनी पए, उह करदे करदे मर जाण, कुछ हो जावे शहीदियां हो जाण। बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह ने राज कायम किया, दुश्मन ने फौजां भेजियां लड़दियां शहीदी प्राप्त करके, पर दुनिया ते एक मिसाल कायम कर दी कि सिख कदे खत्म नहीं हो सकते। ते सिखां दी इक्को ही राह है, जां ते राज करांगे जां राज दी प्राप्ति लई संघर्ष करांगे, तीजा कोई राह नहीं। सो अगे मैं पिछले पिंड बोल के आया, मैं उत्थे भी गल कीती सी कि नौजवानों दो राह ने साडे कोल अज, एक पासे मौत बगैरती दी, दूजे पासे दी मौत है। मैं कोई ऐसी सौखी गल नहीं करनी तुहाडे नाल ते जिहड़ी तुहानूं मैं भरम च पा के चल जावां जिवें बाकी कोई करदा होऊ कि नहीं जी देखो जी इत्थे कुछ करन दी लोड़ नहीं, कोई तुहानूं लड़न दी लोड़ नहीं, कोई मरन दी लोड़ नहीं। कई ते कहिंदे भी असीं ज्ञान दे नाल ही सारा कुछ बदल देणा है, कई कहिंदे सानूं कोई ज्ञान दी तलवार है उहदे नाल दुश्मन वढ सुटणा है, इह सब कुछ झूठ है। ज्ञान जरूरी है, गुरु दी बाणी दा ज्ञान जरूरी है, पर बाणी दा ज्ञान वी की कहिंदा है? जे जीवे पत लथे जाए सब हराम जीता किछ खाए। सो गुरु ने की कहा है? जे ज्ञान गुरु को लेना है तो फिर गुरु से बार बार सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे ने हुक्म करदे ने कि असाडी हालत वह है कि जे असी रोटी दी बुरकी खाने हां ते हराम दी खाने हां, क्यों?
क्योंकि साड़ी कौम गुलाम है, साड़े गुरु की बेदबी हो रही, धिया भैन की बेपत्ती हो रही है, साडे सिखां दे दस्तारां रोलियां जा रही। मैं तुहानू आण के कह दवां कि भाई आजादी इदां मिल जू, राज इदां मिल जू, राज इदां नहीं मिलता। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। जिन्हां ने राज लैणा है उन्हें अपने बल से रहना है, भावें तुहाडा किड्डा भी कोई सगा संबंधी होवे। भरा भरा नूं राज नहीं दिंदा, गद्दी पिछे लड़ पैंदा। तो तुसीं इह ना सोचो जिन्हां ने 500 साल का विरोध है साडे नाल, जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह के जनेऊ पहनण ते इनकार करन तों साडे नाल वैर कमाया, 505 सदियां का वैर कढ विखाया सी दरबार साहब ते हमला करके, उन्हें सानूं थाली ते धर के राज नहीं देना। राज उदण मिलना है जदों असीं राज दे काबल बन गए, क्योंकि राज हुकूमत नहीं दिंदी। ना राज दिल्ली दिल्ली दी औकात नहीं सानूं राज देवे, ना दुनिया के किसी देश की औकात सिखां नूं राज देवे। राज बख्शना कलगीधर पातशाह ने, पर देना किदण है? महाराज दे बचन है, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज बो मैं सारा, जब है गए विपरन की रीत, मैं ना करूं उनकी प्रतीत। असी बेपर दी रीत गए, राज गवाचा, खुआरी चली, 150 साल हो गया मार खा रहे हैं। कोई ऐसी दशो गुलामा दे नाल, कोई ऐसी दशा जिहड़ी साडे नाल नहीं हुई। सानू गुलाम बनाया, जेलां च रखिया, मारिया, धीआं भैणां दी बेपती हुई। ते सब तो वड्डा पाप की होया? साडे गुरु दी बेदबी हुई। एक वारी दो वारी नहीं, हजारां वार बेदबी हो चुकी है। ते सिख अज ऐसे गुलाम मानसिकता दे असी हो गए हां कि बेदबी हुंदी है ते ऐ फेसबुक ते उंगलतां नूं करके ते खबर नूं पिछे कर दिंदे आ। सो इस करके राज, इस करके कई बंदे पुछदे कि राज दा की करोगे जी। एक मैनूं सवाल कीता भी जिहड़े पंजाब तों बाहर वसदे सिख आ, जे तुसीं राज कायम करोगे उन्हां दा की बणूगा? उन्हां नूं मैं इक्को गल दसणा चाहुंदा कि सारिआं दा घर पंजाब ही है, सिख दुनिया जिथे मर्जी वसदा होवे। सो इस करके जे घर मजबूत होवे, जे घर तगड़ा होवे, ते दुश्मन दे इलाके च कल्ले वी तुरे फिरे कोई हथ नहीं पाउंदा। ते जे घर माड़ा होवे ते घर दे विच शत्रव जुत्तियां पै जांदियां ने, पईआं ने सिखां नूं। क्यों पईआं? क्योंकि साडे च एकता नहीं, इतफाक नहीं। साडे दे विच कई रौले ऐसे जिहड़े सानूं लोड़ नहीं अज उठाउण दी, असीं जाण बुझ के इन्हां रौलिआं च फसे आ। सो जे ते राज करना है ते इस धरती ते ही करना है। कई ब्रह्मंडी राज दा गल करन लग पैंदे कि असीं ब्रह्मंड ते राज करना है। ठीक है जी, खालसे ने ब्रह्मंड ते राज करना है, पातशाही दावा साडा है। पर ब्रह्मंड ते राज करन लई पंजाब ते राज होवे ना, हाथ ना अपने थू कौड़ी वाली गल है। कोई बंदे को सरपंच ना बनया जावे पिंड दा, ते ओह करे वी हुण मैं सिद्धा प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं सरपंच नहीं बनना। इह गल हुंदी है वी ना करना ते ना इह गल होणी है। सो सानू पैर पसारने पैणे आ। जिदन महाराज रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा कीता सी, उस तों बाद पंजाब दा वड्डा साम्राज राज खड़ा कीता। ते जे लाहौर ते कब्जा करन वेले सोचदा कि मैं एडा छोड़ा जिहा राज नहीं करना, मैं तो वड्डा ही करूंगा, सो इह गल्लां ओह कौमां करदियां हुंदियां जिन्हां ने करना कुछ नहीं, जिन्हां ने वेले रह के टाइम पास करना है। सो आपां इह कम नहीं करने। राज दी प्राप्ति उत्ते कोई सवाल नहीं, राज हर कौम का अधिकार है। दुनिया के उत्ते जिहड़ा कोई जानवर पिंजरे च कैद है, उहदा वी अधिकार है कि आजाद वातावरण च जीवे। उहनूं इह सवाल करना कि तू पिंजरे च निकल के की करेगा, पिंजरे च निकल के कित्थे जाएगा, इह वी गुनाहगारी गल है। कई सानूं पुछदे ने वी नक्शा दिखाओ, उहनां नूं असीं इह दस्सिआ वी नक्शा जिदन टेबल ते बैठांगे उदन दसांगे नक्शा की हुंदा है। इह कश्मीरीआं नूं पुछदे ने वी नक्शा किहड़ा तुहाडे राज दा, इह फलस्तीन दे लोकां नूं पुछदे ने। कोई किसी आजादी का संघर्ष करन वाली कौम नूं नहीं पुछदा वी तुहाडा नक्शा की होगा। पर इह सानूं क्यों पुछदे ने? क्योंकि कामरेडा ने गल चला दित्ती कि सिख राज करन दे काबल नहीं, इन्हां कोल कोई प्लान नहीं। तुसीं मैनूं दसो कि जिहड़ी गल बल ते खड़ी होवे, जिन्ना जोर होवे उन्ना राज मिलना है, उहदा पहला नक्शा कित्थों दिखा दईए तुहानूं? सो सानूं इह गल प्रण कर लैणा चाहीदा अज नौजवानां नूं कि राज उदण मिलना है जिदन असीं खालसे बण गए, जिदन असीं गुरु के सिख बन गए। गुरु के सिख बणांगे मौत तों भय तों मुक्त हो जाएंगे। अज सब तों वड्डा डर की है सानूं? घर बार खुस जाएंगे, धियां पुत मारे जाएंगे, आप मर जावांगे, ये साडियां जदादां खुस जाएंगियां, इहो डर है। ये सारे डर जिहड़े उपजे ने ये क्यों उपजे ने? क्योंकि असीं गुरु दा हुक्म नहीं मन्निया। गुरु ने तो कहा सी ज्यों तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। असीं की कीता? असीं जदादां कट्ठियां कर लईआं, मुठियां घुट के मीट लईआं, कोई छड्डण नूं तैयार नहीं। जिहड़ा किसे कुर्सी ते बैठ जांदा उह कुर्सी छड्डण नूं तैयार नहीं, भावें कौम सारी छड्डणी पै जावे। जिहड़ा किसे अहुदे ते बहिंदा अहुदा छड्डण नूं तैयार नहीं, भावें सारी कौम रुल जावे। इन्ने समझौते करदा जिन्हां ने इन्नियां मुठियां घुट के मीटियां सी, उहनां नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज तों इक सिख्या लैण दी लोड़ है। गुरु साहब राज दी गद्दी ते बैठे ने आनंदपुर साहब, जदों इक मौका आया। बंदे दा सब तो वड्डा पदार्थ की है? राज भाग। बच्चे भी पदार्थ रूपी ने, परिवार भी पदार्थ रूपी है, क्योंकि सब कुछ नाशवान है। जिदन मौका आया धर्म की खातर छड़ना पिया, कलगीधर पातशाह ने मिठी नहीं मिटी,
तख्त तो उठे ते माशीवाड़े दे जंगल दे विच कंडियां दी सेहत जाके बैठ गए। रांझनी मंच कीता ते अज सानू माड़ा जिहा घर छड्डना पै जावे ते दहाई दिंदे आ वी देखो जी असीं इदां की करांगे, लोकां दे पुत मर जाणगे। जे इह सवाल गलगीधर पातशाह नूं कीता हुंदा वी तुहाडे पुत बचा लो, कहा सी ना वी इक रख लो, ते उहनां ने कहा सी वी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुर चार चार मोए, तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ते जिन्हां नूं उंगल करके कहा सी जे उहनां दे चेहरे मोहरे गुरु नाल ना रलन, जे उह गुरु दा स्वरूप ना कायम करन, जे उह गुरु दी मर्यादा नूं ना कायम रखन, ते फिर असीं उहदे पुत कहाउण दे लायक आ। हुण कलगियां दा होर किहनूं कह देवे, मुसलमानां नूं कहिंदा उंगल करके नहीं, कलगियां वाले सतगुरु सच्चे पातशाह ने सिखां वल नूं उंगल करके कहा सी। ते जे सिख सिख ना रहण ते फिर दसो किथे सानूं किथे इंसाफ मिलूगा। कईए कहिंदे ने कि जवानां नूं इदां ना इस पासे ना लाओ, मैं ते उहनां नूं इह पुछणा चाहुंदा हां कि साडी उमर साडी कौम दे विच उमर दा कोई तकाजा नहीं। बाबा दीप सिंह ने 80 साल दी उमर जदों पता लगा गुरु घर दी पैदगी हुंदी आ, खंडा चुकिया, खंडा चुक के बिना सीस तों सीस तली धर के लड़के शहादत दित्ती है, ते सानूं की गोली वजी है। असीं जवान जाने आ, जे इस उमर च नहीं लड़ना मरना ते फिर कदों करना है। सो इस करके मैं एक कोई दावा नहीं करदा, मैं यह जरूर कहा भी पंजाब चो नशा खत्म करांगे, सतगुरु सच्चे पातशाह ने जी कृपा की सेवा लई, पर यह नहीं मैं कहिंदा भी नशे ना जिहड़ा पुत नहीं मरिया तो वह इधर बच जू आण के। मैं यह कहना भी दो तरह की मौत है, एक गैरतमंदा की मौत है धर्म युद्ध च लड़दियां मरदियां की मौत है, दूजी मौत है बगैरतां की मौत जिहड़ी किसी नार च टीका ला के कोई शराब पी के किसी भी किस्म का नशा करके मर जाने की। तुसीं नौजवानों चोण करनी है, मावां नूं भी मैं भैणां नूं भी बेनती करदा कि जदों कोई नौजवान इस राह ते तुरदा है ते चीकां ना मार उठा करो भी गलत राह तुर गया। कई बीबियां कही जांदियां भी अमृत नहीं छकना पई, ते जे छकना है ते किसे साध को छक गया अमृतपाल को नहीं छकना। मैं कहड़ा ऐसा अमृत तैयार कर दिता है वखरा, गुरु दा अमृत है, गुरु की खंडे पाटी की पौल है, मैं उस च की पाता। मैं तो यह गल कही है भी अमृत की परिभाषा जिहड़ी हैगी है दसो, अमृत छक के गुलामी नूं कबूली फिरना है अमृत कहदा छकिया होया, शस्त्रधारी होना अमृत छक के, ते जे हाथ शस्त्र होवे कोई आड़ पग ला जाए कोई गुरु की बेदबी कर जाए तो साडा कहदा अमृत छकिया। अमृतधारी सिख का फर्ज है कि जिथे पाप हुंदा है किसी बगाने सत बगाने नाल उत्थे खड़ना है, ते अज दे साडियां अपनियां पगां लै रहियां ने, ते फिर अमृत छक के घरे बैठ जाना, अमृत छक के अंदर वड़ जाना। संत करतार सिंह गल करदे सी ना इक कि संत कहाउणे आ ते जे संत कहाउणा है ते कौम ते बिपता होई आवे ते अंदर वड़ के बह जाणा ते संत कहाउण दा की फायदा। सो इह जिहड़ियां उपाधियां है, अमृतधारी दी उपाधि सब तों उच्ची उपाधि है। अमृतधारी हो के पाप नूं सही जाणा, पाप दे खिलाफ ना लड़ना, यह सब तो वड्डा पाप है जिहड़ा सिख कर सकदा है। सो इस करके तुसीं तैयारी करो, इत्थे कल अमृत संचार होणा है, उत्थे तुसीं अमृत छकणा है, ते परसों 30 तरीक नूं अकाल तख्त साहिब ते वी अमृत संचार होणा है। जिहड़े कल इत्थों खुंजदे पहली गल ते खुंजणा नहीं मौका, जिथे अमृत खंडे बाटे की पौल तैयार होंदी है जिवें प्यासा खूह बन जांदा है, एवें एक जिहड़े अमृत नहीं छकिया उह सिख नूं इन्नी तृष्णा होनी चाहीदी है गुरु नाल मिलण दी। ते गुरु ने कहा भी अमृतधारी होण तों बिना सिख मैनूं परवान नहीं हैगा, आपां जिन्नी मर्जी सेवा करी जाइए जो मर्जी करी जाइए, जे गुरु दे चरणां च थां चाहीदी है, जे सचखंड च थां चाहीदी है, फिर अमृत खंडे बाटे की पौल छकनी पैणी है ते उत्थे फिर ही थां मिलणी है। सो लामबंद हो जाओ सारे ही, कौम ते वो विपता आ चुकी है, चल रही है, कई तो इंतजार करते भी पता नहीं किहड़ा ऐलान होना, फिर असीं उठना है। ऐलान लून कोई नहीं होना जदों गुरु की बेदबी होगी, तो वड्डा जंग का की ऐलान हो सकता। इत्थे साढ़े गुरु की नगरी के पहलां ने अमृतसर क्रूसेड का नारा दिता है जिहड़े ईसाई पास्टर ने, इन्होंने उहदा अर्थ की है धर्म युद्ध कहिंदे करना सी अमृतसर के, अमृतसर के ईसाइयों ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिता, वह किसी नूं तत्ती गल नहीं लगी, तो जे असीं उन्हां दे खिलाफ कुछ बोलिया तो कई अपने पिटन लग पे। तो मैं कल भी गल की सी भी कईआं दी तां दशा इह हो गई आ, विरोध दा भास इन्ना वध गया कि अमृतपाल का विरोध करना है। जे मैं कल नूं कहां कि बंदियां नूं घगरे नहीं पाउणे चाहीदे तो हो सकदा मेरे विरोधी घगरे पा के निकलन घरों, कि इहदा विरोध करना है भावें असीं सही हो जाईए भावें गलत हो जाईए। सो इस करके उन्हां नूं भी अपील है, बेनती है सिख भरा जो तुसी विरोध च इन्ने इन्ने ना हो कि जे को मैं सही गल करदा मैं गलतियां कर सकदा है, गलतियां मैं करूंगा क्योंकि मैं इंसान है, कोई रब दा रूप नहीं। बाणी च भुलण अंदर सब को भुल गुरु करतार, केवल गुरु अभुल है, गुरु गलती नहीं करता, बाकी सारे मनुख गलतियां करते हैं। मैं कोई गलती करना मैनू ताड़ना करो, मैं कोई गलती करा मैनू समझाओ, पर विरोध च इन्ने इन्ने हो जाओ कि जे मैं कोई सही गल भी आखा तो वो विरोध च खड़ जाओ। अमृतसर साहब के खिलाफ बोलिया जिन्हें बेदबी कराई, बलात्कार किए, बंब धमाके किए,
उस दे खिलाफ बोलिया दे कई सिख उहदे हक च आ गए कि अमृतपाल डेरा प्रेमियां दे खिलाफ बोलदा है। किहड़े डेरा प्रेमी भाई, किहड़ा प्रेम है? उन्हां दा प्रेम अपने साध नाल होऊगा जिहड़ा बलात्कारी है। उन्हां दा गुरु नाल ते वैर सी जिहड़े गुरु दी बेदबी कीती है। सो जे मैं सिद्धी गल कहिंदा, साडा हर उस बंदे नाल वैर है ते वैर असीं कढ़णा वी है उस बंदे दे नाल जिन्ने गुरु दी बेदबी कीती, जिहड़े मन च गुरु दी बेदबी करन दा ख्याल आया, जिन्ने साडियां अरदासां तोड़ मरोड़ के पेश कीतियां, जिन्हां ने देहधारी गुरु बिठाए आ, जिन्हां गुरु डम चलाए, जिन्हां साडे गुरुआं दा शैतान शैतान कहा, उन्हां नाल साडी लगदी है ते लगदी रहणी है। यह मैं कोई इत्थे ठंडियां गल्लां नहीं करना आ कि कोई नहीं, सारे इक्को जिहे हुंदे, कई कई हुंदे, सारे मनुख इक्को जिहे हुंदे आ जी, फर्क नहीं हुंदा। जे फर्क नहीं हुंदा ते फिर गुरु ने न्यारा पंथ क्यों साज दित्ता जी? फिर न्यारापण की है साडे च? जे शेर गिद्दड़ हिरन सूर सारे इको जे है तो बखरेवा कित्थे आ? फिर मैं तो कहना भी ला के पगां ते जनेऊ जनू पा लीए, कोई सुनत करा लवे, कोई जनेऊ पा लै, फर्क रखना का तूं? ते जे फर्क हैगा तेनू कायम क्यों नहीं रखना? जे फर्क है सिख दा पुत ते मुसलमान दा पुत ते हिंदू दा पुत, मैं किसी नूं माड़ा चंगा नहीं कहिंदा, फर्क ते हैगा ना सारिआं दे विच। ते जे सिख दा पुत फर्क ही ना कायम रखे, सिख दे पुत नूं पुछणा पवे कि तूं सिखां दा, ते जे इह गल पुछणी पै जांदी कि तूं सिखां दा, ते किड्डी शर्म वाली गल आ। कोई शेर दे पुत नूं पुछणा पै जावे कि तूं शेर दी औलाद है, तो फिर कदी शेर दी औलाद है जिहनूं पुछणा ही पै गिआ? ते इह दूरों पता लगना चाहीदा वी सिख दा पुत आ रिहा, कोई गुरु दा पुत आ रिहा है। ते जे गुरु दा सरूप बख्शिया, जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा खालसा मेरो रूप है खास, ते असीं उहदा रूप ना कायम रखीए, सरूप ना कायम रखीए, ते फिर दसो गुलामी दे हकदार नहीं तोड़ कहदे आ? सो इहो बेनतियां मैं करनियां सन, कमर कसे कर लो। ये जिहड़े बाहर जाण दे रवाज आ आईलेट्स करके निकली जाने बार बार नूं, उत्थे भी इहो गुलामी है, उत्थे गोरियां दी करनी है, इत्थे ब्राह्मण दी गुलामी कर रहे हैं। ते गुलामी तो निजात कौमां नूं भगौड़े हो के नहीं मिलदी। बाहर जाना, इत्थों दे हालातां नूं वेख के अणडिठे करके तुर पैना, ते उत्थे जाके जिहड़ी गुलामी पदार्थ दी इधरों वी भैड़ी है। सो आपां, इह साडा मैदान है, इह साडी धरती है, इत्थे 500 साल हो गया साडे पुरखां ने लहू डोलिया मणां दे मण, इत्थे कोई होर आण के दावा करदा फिर इह गल बर्दाश्त नहीं करनी। इसे धरती ते रहांगे, ते इहो ही संगतां दे सामणे प्राण आ गुरु साहिब दी हजूरी च पै जे गल कहिंदा, इत्थे लहू डुलूगा साडा, जे डुलूगा जां इत्थे साडा राज भाग होऊगा, होर असीं कोई समझौता नहीं करना। इन्नियां क बेनतियां रखियां मैं याचकां, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।